नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक सेरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आमतौर पर गर्मी के दिन जून और जुलाई माह में होते हैं और इस बार सूर्य देव ने जून जुलाई माह में जमकर कहर बरपा था और भयंकर गर्मी पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर सहित आसपास के जिलों में हुई थी। लेकिन अब आलम यह है कि सितंबर का महीना चल रहा है और आमतौर पर 15 सितंबर के बाद और इन दिनों में सर्दी की सीजन शुरू हो जाती है, लेकिन बाड़मेर के हाल ये हैं कि सितंबर के आज 11 तारीख हो गई है और सूर्य देव एक बार फिर अपना कहर बरपा रहे हैं। पिछले कुछ दिन, तीन चार दिनों की बात करें तो बाड़मेर में लगातार तेज गर्मी का कहर जारी है और तेज गर्मी के चलते लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और लगातार ये गर्मी इस प्रकार से भयंकर पड़ रही है कि पिछले दो दिनों से बारिश भी गर्मी के चलते हो गई थी। ऐसे में इस गर्मी में लोगों का, जो शहर में लोग रहते हैं, उनका घरों से बाहर निकलना मुश्किल तो हो ही गया है, साथ ही जो लोग किसान हैं जिन्होंने अपनी फसलें बोई हैं उनके लिए बड़ी समस्या ये गर्मी कर रही है, क्योंकि किसानों ने इस बार अच्छी बारिश के चलते फसलों की बुआई पहले ही कर दी थी और अब लगभग बाड़मेर जिले के कई क्षेत्रों में किसानों की फसलें जो हैं वो पककर तैयार हो चुकी हैं, लेकिन फसलों की कटाई करने में किसानों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बार अच्छी बारिश के चलते फसलें जो हैं वो अच्छी फसलें हुई हैं और इतनी घनी फसलें हैं कि किसानों को अपने खेतों में जाने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि तेज गर्मी के चलते लोग अपने घरों से बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन किसान एक ऐसी कौम है जिनके लिए सर्दी, गर्मी या बारिश, कोई भी सीजन हो, वो सदैव अपने खेतों में नजर आएंगे। हालांकि परेशानी तो होगी, लेकिन किसानों का ये कहना है कि अगर इस गर्मी के चलते आंधी और बारिश नहीं होती है तो हमारे लिए फायदा है, अगर आंधी और बारिश हो गई तो कहीं ना कहीं फसलों को भी नुकसान हो सकता है।